बैठकर 20 मिनट पे रवाना होगी। धन्यवाद। ऑल द पैसेंजर्स प्लीज पे अटेंशन। 12635 चेन्नई टू मदुराई बाय ट्रेन एक्सप्रेस। मदुरै मीनाक्षी काशी विशालाक्षी कांची कामाक्षी प्लायरपट्टी विनायक और कार्तिके तिरुपति वेंकट चल्ली ये सभी भगवान मेरे लिए एक है, लेकिन इसे सब जो कर ही मानते हैं। तू कामदेव है, तू मेरे लिए कुबेर है, तू मेरी जिंदगी में आना और मुझे दर्शन देना। जब तू नहीं होता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। देखो मेरे बाल तक उड़ गए हैं। मेरे बाल उगने चाहिए ना, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब तुम मुझे इस खेल में जिताओगे, मुझे करोड़पति बनाओगे। ऐसी मेरी बेनती है। इस केशव को कैश दे दो ना प्रभु। ओम जोकराय नमः। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। कल रात को त्रिची के रास्ते से जाती हुई वाईगाई एक्सप्रेस के एक कंपार्टमेंट में 3 लड़कियों की हत्या की गई है। तीनों एक ही कंपार्टमेंट में थीं। इस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट को कोडाय रोड में अलग करके रोक कर रखा गया है। उस कंपार्टमेंट को पुलिस ने अपनी कस्टडी में जांच के लिए रखा है, और जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती वो पुलिस की ही कस्टडी में रहेगा। इस वारदात के लिए शक के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई बड़ा उग्रवादी हो सकता है। इस आदमी की जानकारी स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त हुई है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में और हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, और पुलिस का मानना है कि उन हादसों में इस आदमी का हाथ हो सकता है, और ये किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य भी हो सकता है। विदेशी आतंकवादियों के साथ क्या इस आदमी का कोई कनेक्शन है, और अगर है तो ये आदमी किस संगठन से जुड़ा हुआ है? इस आदमी का ट्रेन में मृत पाई गई उन 3 लड़कियों से आखिर क्या संबंध हो सकता है? What is the present position of the inquiry, sir? ट्रेन में ट्रैवल कर रही महिला यात्रियों के लिए आपने क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं सर? इन हत्याओं पर आप क्या एक्शन लेंगे सर? वैगई एक्सप्रेस में हुई हत्या के आरोपी उस आतंकवादी को हम जरूर पकड़ लेंगे। पूछताछ को और मजबूत करने के लिए हम यह केस रेलवे पुलिस फोर्स के अंतर्गत रेलवे एंटी क्रिमिनल टास्क फोर्स को सौंप देंगे। सर, 2 महीने पहले आपकी बीवी गुजर गई, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अब तक आपने जो भी ऑफिशियल सवाल पूछे मैंने जवाब दे दिए, मगर इस सवाल का जवाब आई एम सॉरी। सर वन क्वेश्चन, सर वन क्वेश्चन, सर सर पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तो क्या रैक्ट भी हैंडल कर पाएगी? सर, रैक्ट फोर्स के चीफ मिस्टर सैफुद्दीन रहमान, आईपीएस, वन मैन आर्मी। Oh, my God.
आज के मुख्य समाचार। ट्रेन में हुए हत्याकांड के मामले में सैफुद्दीन रहमान ने उस आतंकवादी को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े हादसे को रोका जा सका है। आगे की जानकारी के लिए चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। ए बड़े आदमी, बाहर निकल, आज हम दोनों में से कोई एक ही रह गया। मैं देख लूंगा तुझे। बाहर आ जा, बाहर आ। अरे निकल जा, तुझे छोड़ो मुझे। अपने आप को समझता क्या है ये? मेरे ऊपर जो गुस्सा था उसे उतारने के लिए बदला ले लिया ना? मेरे एरिया में हुई हत्या की जांच करने का काम सैफुद्दीन को दे दिया, जिससे कि कहीं मेरा नाम ना बढ़ जाए। हा? सुनो एलेक्स, तुम मेरे गांव के हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अपनी मर्यादा में रहो। समझ गया। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? खुफिया एजेंसी ने मुझे खबर दिया, वो तुम मुझे बता दोगे और मैं पकड़ लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, यही सोच के ना? है? तुम्हारे पैर के नीचे का सांप हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें बेइज्जत करके छोड़ूंगा मैं। वैगई एक्सप्रेस में तूने सफर किया और उसी के एक कंपार्टमेंट में 3 मर्डर हुए। उन तीनों लड़कियों से तेरा क्या संबंध है और किस लिए तूने उनका मर्डर किया? मैं 3 को मारने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर 3,00,000 लोगों को मारने के लिए आया हूँ। छोटा सा भी ब्लास्ट होता है तो तुम लोग फोर्स लगाया करके हंगामा मचाते हो। कितनी बार फोर्स लगाओगे तुम? तुम्हारी फोर्स को चीरकर 300 बार मैं अंदर आ चुका हूँ। ऐसे ही वैगई एक्सप्रेस में घुसा, वो भी तुम लोगों की आंखों के सामने। सैफुद्दीन, देखता हूँ तू मुझे कब तक कैद करके रखता है। तेरे जैसे ऑफिसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थूक कर तूने साबित कर दिया कि तू गंदी नाली की पैदाइश है। सर, वो जो आ रहा है ना, वो एसी कोच का अटेंडर सुंदरम है। जिस दिन वैगई एक्सप्रेस में खून हुआ था उस दिन ये ड्यूटी पर था। पैसेंजर्स को लुभाने में ये बहुत एक्सपर्ट है सर। 50 रुपए तो टिप्स लेता है, बॉटल सिगरेट सबका बंदोबस्त करता है ये। जिस दिन कंपार्टमेंट में खून हुआ उस दिन की सारी डिटेल्स इसके और केशव टीटी के पास से मिल सकती है। इसे जरा प्यार से अंदर डालो, हाथ मत लगाना। ठीक है सर। ओके। आप लोग कौन? अरे हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं भाई, थोड़ा बोर हो रहे थे तो हम लोग यहाँ घूमने चले आए। वैगई एक्सप्रेस के एक कंपार्टमेंट में 3 हत्याएं हुई, तुम उनके बारे में कुछ जानते हो क्या? बोल दे बच्चा, जल्दी बोल। बोलना। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सच सच बता दे, ये रैक्ट है, रेलवे एंटी क्रिमिनल टास्क। सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। जिस ऐसी कोच में हत्याएं हुई उसमें कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्हें तू भूला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और तू भी ये बात जानता है, इसलिए बिना कुछ छुपाए वो सारी बातें चुपचाप बता दे, नहीं तो पुलिस को जानता है ना। बोल, उल्लू की तरह घूर रहा है। उस दिन वैगई एक्सप्रेस ट्रेन के एक एसी कंपार्टमेंट में ड्यूटी दे रहा था, उसमें एक केबिन में तुलसी मणि नाम की एक पैसेंजर थी, बी केबिन में फिल्म एक्ट्रेस सपना प्रिया और उसकी बहन अनुराधा, साथ में उसका जीजा पावड़ा स्वामी, सी केबिन में बालू, बाप वीरप्पन और माँ अंबिका वीरप्पन, और उनके बगल में टीवी रिपोर्टर यामिनी चंद्रशेखर की सीट थी, और डी केबिन में थी डॉक्टर की टीम, अजय, माधवी, दीपक, मुरली। ई केबिन में स्टोरी राइटर कार मेघम और रेलवे पुलिस एलेक्स सर भी सफर कर रहे थे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। गाड़ी नंबर 12631। उसके बाद अनरिजर्व में एक टोपी पहना हुआ चला था। टीवी देखने के बाद पता चला कि वो कोई बड़ा उग्रवादी था। बी केबिन में हीरोइन थी जिसमें रात को एक लड़की गई और उसके बाद गाड़ी चल गई।
अरे ये क्या कह रहे हो, कितने लोगों के पास ढूंढते हुए जाना पड़ता है, शूटिंग की जगह बार बार बदलते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, जरा होल्ड करना, व्हाट इज योर सीट नंबर? मैडम कुछ भूल रही है। सीट नंबर क्या है? 6। ओ अच्छा अच्छा, बैठ जाओ, यही है। हेलो हेलो हेलो, ये फेमस एक्ट्रेस अपना प्रिया और मैं इसकी कजिन सिस्टर, इसका सब कुछ मैं ही देखती हूँ। हाँ। ये मैडम मेरी वाइफ है। हाँ। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, अरे कोई तो आ जाओ। अरे सुनो, एक दो हाथ खेलोगे क्या मेरे साथ? जब देखो तब पत्ते खेलने के लिए ही बुलाते हो, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? ए, ये दिमाग का खेल है, इसे हर कोई नहीं खेल सकता है, तेरे जैसे लोगों के तो बिल्कुल बस की नहीं है। आपके अंदर ज्यादा अकल है ना, इसलिए ऊपर सब खाली हो गया। ए, खाली दिख रहा क्योंकि बाल उड़ गए, लेकिन तू उल्लू की तरह आंखें क्यों निकाल रहा है? ए, ये खेल हमारे खानदान में पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मेरे चाचा खिलाड़ियों के खिलाड़ी सत्य प्रकाश, मेरे पापा तीन पत्ती के मास्टर, हाँ ठीक, मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ, हम सभी के सभी लखपति बन गए सिर्फ और सिर्फ ये पत्ते खेल कर। हमारे खानदान का बच्चा बच्चा खिलाड़ी और उनमें किंग हूँ मैं, केशव। आपकी वेस्ट फैमिली अंदर कर ले। हेलो हेलो, अरे हेलो, कट गया क्या? इसका तो मैं डबल चार्ज करूंगी प्रोडक्शन वाले को, सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज कराया। एक दो फोन को। मैडम कंबल कितने का है? ये फ्री है। हाँ, अरे अरे फिर सब रख दो, हमारे काम आएगा ना। मैडम आप लोग कौन हैं? तुमने हमें पहचाना नहीं? बताती हूँ, ये है सपना प्रिया, फेमस एक्ट्रेस, और मैं इसकी कजिन सिस्टर हूँ। आप फिल्म एक्ट्रेस हो क्या? कल न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम क्या हंस रहे हो, यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? इसके लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा। हाँ कॉल कर। सीट नंबर 1 तुलसी मणि, सीट नंबर 2 मणि तुलसी। हैं? अंदर तो एक ही मणि है, तो दूसरी मणि कहाँ गई? हैं? मतलब आज और एक वेकेंट बर्थ मिली गई। क्या बात है किंग, वेकेंट बर्थ का मतलब है इनकम, तो आज नए नोट गिनेंगे। यस कम इन। अरे अरे देख कर सर। कभी कभी ऐसा हो ही जाता, तो आदत सी हो गई है। आपका नाम? तुलसी मणि। तुलसी मणि, तो ये मणि तुलसी कहाँ है? वो भी मैं ही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, दो लड़कियाँ और एक ही नाम, ऐसे कैसे चलेगा काम, कुछ बताओगी? मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए सर। रेलवे के रूल के हिसाब से एक ही आदमी अपने नाम से दो टिकट नहीं निकाल सकता, आपको पता है ना ये बात? आई नो दैट। बुड्ढे को यही चाहिए, फिर भी नाटक कर रहा है। लड़की समझदार है, सही जगह रखती है। तो ये बताओ कि तुम क्या करती हो? मैं क्लासिकल डांसर हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पेशे में पैरों की जरूरत पड़ती है और मेरे पेशे में हाथ की, तो हो जाए दो दो हाथ। सर प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, बोला था ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? ये केबिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा केबिन दे दीजिए। अरे क्या बात कर रही हो, तुम्हारे केबिन में तो वो फिल्म स्टार सपना प्रिया ट्रेवल कर रही है, उससे बात करते हुए अपना वक्त बिता सकती हो ना? सर मैं उनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकती, मुझे वहाँ नहीं रहना। देखिए मैडम, ये हॉलीडे सीजन चल रहा है, ट्रेन ऑलरेडी फुल है। सर इस केबिन में तो एक ही लड़की है ना सर? आपकी नजर में ये आपको एक ही नजर आ रही है, लेकिन रेलवे के नियम के हिसाब से यहाँ पे दो मौजूद हैं, तो मैं कुछ समझी नहीं सर। ये किसी फिल्म जैसा सस्पेंस है, आधा समझ में आता है और आधा बाउंसर हो जाता है। अब मेहरबानी करके मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपने कोच में जाइए ना। सर गिव मी अ सीट। अरे मैडम क्यों मुझे प्लीज प्लीज कह के परेशान कर रही हो, पहले मेरे सारे बाल उड़ चुके, अब और क्या चाहती हो आप? प्लीज सर, सॉरी, प्लीज अपने कोच में जाइए। सर प्लीज सर, जाओ। यूज़लेस। ये लीजिए। अरे अरे, आपको कमर से एलर्जी है क्या मैडम? सॉरी प्लीज। सॉरी मैं जाऊँ कहाँ से आता हूँ? सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे नींद आ रही है, ऊपर के बर्थ पर सोने जाऊं या फिर नीचे के बर्थ पर सोऊं? वैसे भी तुम्हारे खराटे से हमें नींद नहीं आएगी, तुम ऊपर ही चले जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो, सीधे बैठो। घर में खटिए पे सो सो कर आदत पड़ गई है, मुंह बंद करके ऊपर जाओ, आराम से यहीं पर। सॉरी। हाँ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हेलो मिस्टर, दैट्स माय बर्थ।
अरे अरे सब रहे हो तो मुझे बता दे उधर जाओ वहां पर बैठ जाओ वेलकम मिस्टर टीटी यू आर माय स्पेशल गेस्ट फॉर माय बर्थडे अरे वाह आज तुम्हारा बर्थडे है गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू केक जरा इनको भी देना वन मिनट प्लीज टीटी सर एज अ गेस्ट आप बिल्कुल सही टाइम पर आए सुपर सर जैसे दो कार के बीच में जोकर आता है ठीक वैसे मैं आता हूँ ना मैं किंग केशव थैंक यू मोदेवी क्या बोला मोदेवी नहीं माधवी नाम है इसके बर्थडे के दिन पर ऐसा कह रहे हैं आप अरे बुरा क्यों मानते हो पतंग हो गया इसलिए नाम भी गलत निकल गया सर मजाक बहुत हो गया अब एक फोटो खींच दीजिए बीच का बटन दबाना है ना पीने के लिए अगर कुछ मिल जाएगा तो मैं और खुश हो जाऊंगा कॉफी नहीं चाहिए ग्रीन टी नहीं चाहिए एप्पल जूस नहीं चाहिए टू बैग विस्की आओ लेकिन सोडे के साथ नहीं चाहिए ओके अबे निकाल चीयर्स हे प्रोडक्शन मैनेजर रेडी का फोन है हेलो नमस्कार आप अच्छे हैं ना हमें भूल गए या नंबर डिलीट हो गया हाँ लोकल शूटिंग कहाँ अब तो सिर्फ फॉरेन शूटिंग ही अभी भी चेन्नई एयरपोर्ट पर ही है हाँ सच कह रही हूँ दीदी हा? हम लोग तो ट्रेन में है ना चुप बैठा अभी हम लोग मुंबई जा रहे हैं सर क्या आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं बेबी की डेट चाहिए अरे 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 बहुत ही मुश्किल है सर तमिल की 5 फिल्में तेलुगु की 5 फिल्में बेबी बहुत ही बिजी है सर शंकर सर अजय सर विजय सर सब डेट्स मांग रहे हैं अब मैं भी क्या कर सकती हूँ अब आपको क्या बताऊँ सर इस वक्त सिर्फ अपनी बेबी ही टॉप पर है सर बाकी हीरोइंस की तो बैंड बज गई है अपनी बेबी की तो बात ही अलग है बहुत बिजी है सर अब मैं आपसे झूठ कैसे तुम्हारा काम थोड़ा अच्छे तरीके से होता है फिर भी आपके सफेद सुअर ओवर बिल्डअप करके सारे काम को बिगाड़ देगी क्या कर रही हो कौन बेवड़ा है मुझे पिए तो एक जमाना हो गया है सुनो मुझे एडवांस देने वाले तुम पहले प्रोड्यूसर हो इसलिए मैं तुम्हें झेल रही हूँ और तुम पे तरस खा के मैंने तुमसे शादी भी कर ली अब चुपचाप खा पी के सो जाने का मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का वरना इंडस्ट्री से तुम्हें रिटायर कर दूंगी समझे तुमने तो मुझे कभी का रिटायरमेंट दे दिया व्हाट इज योर नेम अरे बताओ ना व्हाट इज योर नेम राधिका ओ समझ गई राधिका क्या बहुत अच्छा नाम है तुमने तो हिला दिया सच में बहुत अच्छा नाम है टू गुड मैं बताती हूँ ये वो राधिका नहीं है चुप हो जाओ ओ ये अलग है क्या नाम से मैं तो मुझे लगा ये वही सीरियल वाली होगी दीदी सैपल के छोटे छोटे पीस करके मुझे दे सकती हैं हाँ मेरी बच्ची क्यों नहीं दूंगी देती हूँ ना दरवाजा किसने खुला मेरा नाम चिन चिन चू चिन चिन चू अरे तुम भी ना एक्सक्यूज मी मे आई कम इन हाय 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 गाइस हाय मैं तुम्हारे बगल वाले केबिन में ट्रैवल कर रही हूँ वो हीरोइन सपना प्रिया है ना मैं उसकी कजिन सिस्टर हूँ मुझे जरा चाकू चाहिए था मैंने मेरे पति को चाकू लाने के लिए बोला था लेकिन वो बहुत ही भुलक्कड़ है सीरियसली सिली फेलो सिली फेलो प्लीज क्या आप मुझे ये चाकू देंगे बेबी को ना फ्रूट्स खाने हैं बच्ची और मैं रात को सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं केयरफुली काटिएगा आंटी ए डोंट कॉल मी आंटी इंग्लिश में मुझे सिर्फ यही वर्ड पसंद नहीं है कॉल मी अनु अनुराधा तुम तो उसके साथ जब आना चाहते हो तुम भी ना अरे नहीं मारो मत मारो नहीं लगी उसने वेट मारे छोड़ क्या हुआ सर देख रहे हो मेरी आंख में कितनी जोर से घूंसा मारा और पीठ पे भी बेमतलब आपको मारा है ये पागल है क्या हाँ वही तो कह रहा हूँ पागल है ये पागल नहीं है सर मेरा एक ही बेटा है पता नहीं ये ऐसे कैसे हो गया सर है? ये हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहता है सर इसे माफ कर दीजिए इसे थोड़ा मजबूती से पकड़ लो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से चलिए सर क्या हुआ कोई प्रॉब्लम पागल हो गया पागल है तो एम्बुलेंस लेके जाना चाहिए था ट्रेन से क्यों ले जा रहे हो पागल किसे बोल रहा है अरे तेरा पाल पागल होगा टीटी है इसलिए छोड़ रहा हूँ अरे कभी मेरे गाँव में आना तब तुझे बताऊंगा मैं तू वहाँ से वापस जिंदा नहीं आएगा बात कर रहा है ऊपर चढ़ जा बेटे ऊपर चढ़ जा आराम से
प्यार के चक्कर में पड़ गया, इसलिए इसका ऐसा हाल हो गया। बेटे का दर्द बाप ही समझ सकता है, पढ़ाया क्या जाने। Excuse me. एक बाप ही अपने बेटे को बेड़िया बांध रहा है, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया। कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी हेल्प? मैं सॉल्व कर दूंगा। माइंड योर ओन बिजनेस एंड गेट लॉस्ट। ओके स्टूपिड। अरे ये क्या चल गया? क्या हुआ? पीने को कुछ चाहिए तो अगले स्टेशन पे मंगवा दूंगा। वो नहीं सर, मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ तो लो ना, 9444073744। आपका नहीं सर। हैं? वो वहाँ पर फोन पर जो बात कर रही है ना, उसका हीरोइन के केबिन वाली। She is my close relative, sir. हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर उसका नंबर मिल जाए तो आप हमारी सुलह करा सकते हैं सर। उस कंपार्टमेंट को ये इंजन अपने आप से जोड़ना चाहता है। सही कहा सर। हाँ, तो नंबर बोलो। 9940330493। ओके अब रुको। परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का यही सबसे अच्छा मौका है। मेजर कोडी वो सुन लो। वन मिनट। जी कहिए। इस ट्रेन में आप एक पैसेंजर हो, लेकिन मेरी हालत एक भिखारी जैसी है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या बात है बताइए। मेरी इकलौती बीवी को चिकनगुनिया और टाइफाइड का बुखार एक साथ हो गया है। ये केस जानलेवा है। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोला तुम भी अपने हाथ खड़े करके ऊपर वाले से दुआ मांगो, पर ऊपर वाला तो बहुत दूर है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बीवी से बात कर सकूँ, पर मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया। ये डेड हो गया। इससे पहले कि वो डेड हो जाए, मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। अगर तुम अपना फोन दे दो तो मैं मेरी डेड होने वाली बीवी से बात कर सकूं। सर ये लीजिए, बात कर लीजिए। तुम कितनी अच्छी हो। यस। एक्सक्यूज मी। थैंक यू मैडम। It's okay. बुखार 160 डिग्री है। सब काम मुझे करना पड़ता है, यहाँ पे कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ बेबी तुम्हें? क्या हुआ? हाँ कोड़ाई कनाल 3 बजे आई हुई ट्रेन वहां से 5:30 बजे निकली। 10 मिनट में निकलने वाली ट्रेन 2.5 घंटे लेट। इसका कारण क्या? सर नया ट्रैक बन रहा है ना, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए लेट हो गया। पहले उस हत्या को देखने वाला कौन था? वो चिल्ला क्यों रही हो? वहां देखो। ओह माय गॉड।
अरे इधर आओ, ये देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया। कोई रोको उसे। अरे क्या हो रहा है ये? मुझे तो लगा था ये सिर्फ पागल है, ये तो हत्यारा भी निकला। अरे क्या हो रहा है, देखो ना उसे, रोको भाई, पकड़ो उसे। अरे ऐसा मत करो। कंपार्टमेंट में ट्रेवल करने वाले सभी लोगों को सिक्योर करके रखा हूं सर। सर ट्रेन को रुकवाने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए हमने इस कंपार्टमेंट को यहीं पर रोककर ट्रेन को आगे भेज दिया है सर। पैसेंजर का नाम? सर ये है मिस तुलसी मणि, चेन्नई टू मदुरई पैसेंजर। ये खुदकुशी है। बर्थ नंबर 6, विक्टिम का नाम राधिका, राइट? सही है सर। उस लड़की में थोड़ा जान बाकी था, उसे किसी तरह बचा लेंगे ये सोचकर मदुराई हॉस्पिटल लेकर गए हैं सर। चाकू से खून करने वाला कौन है? मैंने खून किया उसका, मैंने मारा है। पागल को क्या ट्रीटमेंट देनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझसे जैसे डील करना है वैसे ही डील करूँगा। सर डी केबिन में 4 डॉक्टर्स थे सर, हमने इंक्वायरी के लिए ही इस लड़की को यहाँ बिठा कर रखा है सर। शी इज ऑल्सो डॉक्टर सर। इसमें ट्रेवल करने वाले 4 लोग हैं, बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? सर उस लड़की में थोड़ी सी जान बची थी तो उसे वो लोग हॉस्पिटल लेके गए सर। ये सब क्या है, बलून चिप्स? यहाँ कोई पार्टी वार्टी चल रही थी? त्यागराज? यस सर। सर डू यू नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट नाइट? इन द लास्ट नाइट फर्स्ट नाइट ये सब नहीं चाहिए। कल रात को इस केबिन में क्या हुआ ये बताओ, दैट इज माय क्वेश्चन। सर ये रेड वाइन है। सच सच बताओ, तुम 4 लोगों ने दारू पीने के बाद उस लड़की का गला काट कर उसका खून पिया क्या? सर, 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 तुम डॉक्टर नहीं हो, डेविल हो। मेरे सामने ये नाटक करके बच नहीं सकती हो। नाटंकी का यार दिखा। ए त्यागराज सर, इस छोटी डॉक्टर को अपने वेटिंग रूम में ले जाकर आराम से बैठाओ। ओके सर। प्लीज सर। नाउ गो। जाओ 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 जाओ। अब दूसरे केबिन के पैसेंजर्स? 3 पैसेंजर्स और सर। एक्सक्यूज मी। मैंने नहीं देखा, मैंने खून होते हुए नहीं देखा सर, मैंने नहीं देखा। राइटर कन्नी तीव कार मेघम। मैंने नहीं देखा सर, पर एक आदमी पर मुझे शक है सर। ओ, ऐसे सर्जिकल चाकू से मर्डर किया जाता है ऐसा तुम्हारी कहानी में लिखा हुआ है ना? क्यों सर, मेरा थोबड़ा देखकर ऐसा लगता है कि मैं ओरिजिनल राइटर हूँ, लेकिन मैं तो नॉवेल पढ़कर उसकी कॉपी करता हूँ। इज्जत से कॉपी करके लिखने से अगर ये हालत है तो बेइज्जती से कॉपी करके लिखने से क्या होगा? अगले नॉवेल का नाम रखूंगा सन की पुलिस। क्या बोला? नहीं सर, वो तो गलती से मुंह से निकल गया। तुम्हारे साथ ट्रेवल कर रहा था ना वो मिस्टर एलेक्स, वो कहाँ उतरा? सर आई डोंट नो सर, वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली खाकर सोने के लिए कहा था, इसीलिए नींद की गोली खाकर मैं सो रहा था सर। त्यागराज राइटर को देख रहे हो ना, दिमाग लगाकर बचने का प्लान बना रहा है। सर अपनी डुप्लीकेट स्टोरी पेपर्स के साथ रख ले, पुलिस वालों को दिखाना मत। ये लगेज किसका है? वो लड़की काव्या का है सर। काव्या नाम की कोई लड़की इस कंपार्टमेंट में नहीं थी? नहीं सर, काव्या ही उसने अपना नाम बताया था। योगा टीचर है वो।
अब मुझे थोड़ा याद आया सर, वो दिखने में लारा अनुष्का माधुरी जैसी दिखती है। सर चार्ट में यामिनी चंद्रशेखर का नाम लिखा है, मदुरई तक का टिकट है। उन्होंने इस केबिन से किसी से एक्सचेंज करके ट्रेवल किया है, बट शी इज मिसिंग सर। क्राइम नॉवेलिस्ट, तेरे साथ सफर करने वाली दो लाशें गायब हैं, कहाँ हैं वो दोनों? सर पहले तो आपने एक ही कहा था, अब आप तो संख्या ही बढ़ाते जा रहे हैं। और बढ़ाओ, उससे पहले बता दो। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे माफ कर दीजिए। त्यागराज सर को ले जाओ और इन्हें आइस वाटर से नहलाओ। आइस वाटर? अरे सर, शिमला का नाम पेपर में पढ़ के मैं डर जाता हूँ सर। चलो चलो जाओ 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 चलो चलो सर। सर आगे बोलिए, बी केबिन में। हाँ सर, लेकिन वो लोग स्टेशन आने से पहले ही उतर गए। मैम आप वहाँ नहीं जा सकती, वो आईसीयू में है। प्लीज मैम, मेरी बात मानो ज्योतिका, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। इस हालत में उसे ना देखो तो अच्छा है। प्लीज आंटी, मुझे एक बार दीदी को देखना है। मेरी बात मानो डॉक्टर जी। प्लीज डॉक्टर, मुझे एक बार दीदी से मिलने दीजिए। ठीक है, जाइए। इन क्रिटिकल स्टेज मैन, वैगई एक्सप्रेस का केस आतंकवादियों का केस होगा मैंने सोचा था, लेकिन उस केस में तो हमारे ऊपर शक किया जा रहा है। उस केस की जांच अब इंस्पेक्टर मानभंजन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह रैक्ट के ऑफिसर सैफुद्दीन रहमान करेंगे। किसी भी वक्त हम गिरफ्तार हो सकते हैं, यू नो। लो कॉल आ गया। हेलो, यस सर। ओके सर, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। मैं रेलवे में लाइनमैन हूँ साहब, ड्यूटी के वक्त मुझे पटरी के पास ही लड़की की लाश मिली थी। हेलो ब्रदर, आओ, ये है सर श्याम, यामिनी का बॉयफ्रेंड। नमस्ते सर। यामिनी मेरे साथ चैनल में काम करती थी सर। उस रात मुझसे यामिनी ने आखिरी बार बात की। उग्रवादियों के बारे में कुछ बताया था? नहीं सर। तू बड़ा आतंकवादी है ऐसा कोर्ट में दिखाऊंगा। तेरा मकसद क्या है? तुझे हैंडल करने वाला विदेशी कौन है? ये मुझे पता होना चाहिए। सैफुद्दीन, अपनी कस्टडी में रखकर तू सारी जानकारी निकलवा लेगा क्या, या फिर मुझे कोर्ट को सौंप देगा? सपना मत देख, अगर ऐसी नौबत आई तो या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा। देखते हैं कौन क्रांतिकारी है। तू तो बस महीने भर घंटी बजाकर पगार लेने वाला एक नौकर है। ए ऑफिसर, मेरे पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है तुझे अभी नहीं पता। आतंकवादी और चोर में कोई फर्क नहीं होता है। पैसों के लिए एक चोर किसी के भी घर में घुस जाता है, उसी तरह एक आतंकवादी भी पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर देता है। ऐसा कोई भी उग्रवादी चोर ही होता है, वो कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता। एक क्रांतिकारी का एक मकसद होता है, एक उग्रवादी का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जहर उगलता है। Thank you.
एक कुप्पे में जो लोग थे उसमें हीरोइन स्वप्नप्रिया, उसकी दीदी अनुराधा, अनुराधा का हस्बैंड पावड़ा स्वामी और एक पैसेंजर राधिका। यस सर। सर, इंस्पेक्टर मान भंजन कहाँ है? वो तो कांवर लेकर जा रहे थे सर, मैंने रास्ते से ही उन्हें बुला लिया। चलो चलकर देखते हैं उसने इस केस में क्या जांच की है। नमस्ते सर। आपके बारे में जो कुछ सुना था उससे मैं अब तक बहुत डरा हुआ था सर। भड़क कर कहीं आप मुझे उल्टा सीधा ना कह दे, इसीलिए मैंने भगवान के पास जाकर मन्नत मांगी है सर, और ये माला पहनकर घूम रहा हूँ। जरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे? बहुत बदनसीब है वो लड़की, सर्जिकल नाइफ से सर पर 2 इंच गहरा घाव किया है सर। Offense against the human body, right? Yes, sir. पर उसका दिल तो धड़क रहा था। She is brain dead. हाँ, she was brain dead. यहाँ पर motive दिखता है, मौत होने के पीछे। Section 307, attempt to murder. क्या वो mental बल्लू या फिर वो उग्रवादी? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं चला गया था। ऊपर वाले ने कहा, ए मानभंजन, जाकर अपना काम पूरा करो, और मैं चला आया। ए त्यागराज, सर। हेलो सर। सारे एविडेंस इसमें हिफाजत से रखे हुए हैं। ये है वो चाकू जिससे राधिका को मारा गया। ये तो ऑपरेशन करने वाला सर्जिकल नाइफ है सर। हाँ सर जी, डी कैबिन में डॉक्टर्स का एक ट्रूप ट्रेवल कर रहा था, उन लोगों से हीरोइन की बड़ी बहन ने फ्रूट काटने के लिए उनसे सर्जिकल नाइफ मांगी। और ये चाकू उसके पास कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा सर? वो धार वाले चाकू के पीछे बालू और प्रिया की कोई लव स्टोरी छुपी हुई है सर। उस बी कैबिन में ट्रेवल कर रही लड़की स्वप्न प्रिया, वो बालू की पुरानी लवर है सर। बालू से पूछताछ करने पर उसने बताया कि इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने इसका खून कर दिया। उसने बोला कि उसने उसे इतना मारा कि बोलते हुए बुरा लग रहा है सर। अब उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो मैं नहीं बता सकता सर। और ये है राधिका का दांत जो स्पॉट पर गिरा हुआ था। सर जी, ये केस नूडल की तरह उलझ गया है एकदम। इसका सिर किधर है, पूंछ किधर है, कुछ पता नहीं। अपनी 30 साल की सर्विस के आधार पर बताता हूँ, ये केस इम्पॉसिबल है। सर, ट्रैवल टूर चेन्नई टू मदुराई, तुलसी मनी। अड्यार ने डांसिंग क्लासिकल डांस स्कूल में सीखी है सर। सर, ये लड़की जो है ना, रेलवे बोर्ड चेयरमैन मिस्टर करीगोलन सर की क्लोज रिलेटिव है, इसीलिए तो इस केस को जांच करने के लिए सिर्फ आपको ही चुना गया है सर। पर सर, इस केस में जांच करने की जरूरत ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि फांसी लगाने की वजह से ही ये मौत हुई है। श्रीमान मानभंजन, चेन्नई में फांसी लेने के लिए जगह नहीं मिली, तो आ गई वैगई एक्सप्रेस। फांसी यहाँ ऐसी केबिन में ली है, ऐसा सोच रहे हो ना तुम? कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं सर, उनकी कामना होती है कि मरते वक्त भी वो एसी में ही रहे। सर, सिंगल केबिन में एक आदमी 2 टिकट लेकर सफर कर रहा है तो बात बिल्कुल साफ है सर। पूरे सफर में उसके साथ कोई न हो, ऐसी प्लानिंग करके वो इस ट्रेन में फांसी लगाने के लिए आई सर। आपका मतलब ये खुदकुशी का केस है? मैं दावे के साथ कहता हूँ ये खुदकुशी है। ये खुदकुशी नहीं है। तो फिर ये वेल प्लान्ड मर्डर है। मर्डर कैसे है? कहानियों में, किताबों में और सपनों में जैसे परियां आती हैं, वैसे ही मेरे घर में भी एक जीती जागती परी थी, तुलसी मणि। ये पिंडदान उसी के लिए है। She was my sister-in-law. मेरे बेटे का वो माँ से कम ख्याल नहीं रखती थी। जिस गले में मंगलसूत्र पहना जाता है, उसमें फांसी का फंदा डाल लिया। वैसे प्रॉब्लम क्या थी सर? उसने किसी को कुछ नहीं बताया,
क्या परेशानी थी, क्यों ये फैसला लिया, कुछ पता नहीं चल पाया। तुलसी मणि अपनी दीदी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, इसलिए खुदकुशी कर ली है ना। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? अलेक्जेंडर, रेलवे SP। जिस ट्रेन में तुलसी मणि ट्रेवल कर रही थी उसमें वो भी था। जरूर प्लान करके उसने ये सब किया। उसका मेरे ऊपर जो गुस्सा था वो उसने उसके ऊपर निकाला। उसी ने ये कत्ल किया है। इंस्पेक्टर मानभंजन ने भी एक रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक यह खुदकुशी है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहूं तो इट कम्स अंडर IPC 302। सॉरी सर, लेट हो गया। मैं टीटी किंग केशव सर। सी कूपे से यामिनी को ई कूपे में क्यों ट्रांसफर किया? बोलो। मैं फंस गया हूँ। उस लड़की से पैसे भी लिए, अब मैंने ये बात कैसे बताऊँ कि मैंने ये क्या किया? ये मंत्र क्या पढ़ रहा है? साफ साफ बोल। बता रहा हूँ सर, वो लड़की क्या है सर? ये इन ये आउट, ये इन ये आउट। किंग आ गया, लेकिन तू अकेले क्यों आया? किंग क्वीन को भी तो साथ लाना चाहिए था। सुनिए सर, लगता क्वीन आ गई। आइए आइए आइए, चलिए आइए, दो दो हाथ खेलते हैं ना। खेलते हैं सर, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या हेल्प चाहिए? सर मैं परेशान हो गई हूँ, वहाँ उस केबिन में बहुत ही डिस्टर्बेंस है सर, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आप मेहरबानी करके मुझे किसी दूसरे केबिन में एडजस्ट कर दीजिए ना। सुनिए ना, आपके सर पे थोड़े बाल कम है, लेकिन इस TC के काले कोट में आप बिल्कुल अपने बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा से कम नहीं लग रहे हैं सर। वो क्या है कि मेरे डिपार्टमेंट में भी सब मुझे गोविंदा ही बोलते हैं। सर क्या आप मेरी छोटी सी मदद नहीं कर सकते सर? चार लोगों के केबिन में इस वक्त सिर्फ दो ही लोग रह रहे हैं। टीटी की पावर दिखानी पड़ेगी। Follow me, I'll do something. यामिनी चंद्रशेखर, तो क्या वो उन तीनों लोगों के साथ ट्रैवल करने के लिए मान गई थी? सर तीन नहीं, वो दो लोग ही थे सर। तू ही है वो तीसरा शख्स, तूने ही उन तीनों को बर्थ अलॉट किया था। एक मिस्टर कारमेहम, दूसरा मिस्टर अलेक्जेंडर और तीसरी मिस अलेक्जेंडर। सर मिस्टर अलेक्जेंडर तो अकेले आए थे सर, ऐसा लगता है कि लगेज ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपनी बीवी को एक्स्ट्रा लगेज समझ के छोड़ दिया था। मुझे तो वहाँ अकेले ही मिला। तूने जो प्लान किया उसमें एक दो गलती नहीं, तीन है। तीन गलतियाँ? हाँ तीन। टिकट में फ्रॉड किया, एक पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करके जुआ खेला, दो और इस कंपार्टमेंट में दो दो कत्ल हुए, वो है तीन। मनु। यस सर। ये क्या है सर? जिलेबी। ये क्या है पता नहीं लग रहा। यामिनी चंद्रशेखर मरी पड़ी हुई थी, उसके हाथ से ये कपड़ा मिला जो एक एविडेंस है। जिस कंपार्टमेंट में कत्ल हुआ उसमें सिर्फ दो ही लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, एक तू और दूसरा AC अटेंडेंट सुंदरम। ए किंग, तुम दोनों हम लोगों से बहुत राज छुपा रहे हो। हकीकत क्या है ये बता दे, वरना हमें दूसरे तरीके अच्छे से आते हैं। जबान खोल, बोल बोल, मुंह खोल अपना, बोल बता सच क्या है, नहीं तो ताश पीसने के लिए हाथ नहीं बचेगा। सर सर बोलता हूँ सर, उस रात को विलुपुरम स्टेशन के जाने के बाद मैं सुंदर को ढूंढते हुए आया था, तो ए सुनना सर, आप कौन है? ये फर्स्ट क्लास बोगी है। मालूम है, विलुपुरम में चाय पीने के लिए उतरा था, ट्रेन चलने लगी तो यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है चलेगा, अगले स्टेशन पे उतर जाना। हाँ तब तक हम दोनों एक एक हाथ खेलने, क्या बोलते हो? हैं? पुलिस वाले से जुआ खेलने के लिए कह रहे हो? अरे रे रे, आप पुलिस हैं क्या सर? सॉरी सर सॉरी सर, आप स्पोर्ट्स कोटा वाले पुलिस हैं क्या? राउडी कोटे से। हैं? ऐसा कौन सा कोटा होता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। हेलो म,
मुजरिम और गवाह दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग चेन्नई क्यों जा रहे थे? मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी ना सर, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे थे। कॉन्फ्रेंस? सर जी, ये सब लोग पीकर डांस करके मजे ले रहे थे, एजुकेशन टूर के नाम पर पिकनिक मना रहे थे ये लोग। अभी मुझे कुछ जानना है। वेगई एक्सप्रेस दिसंबर 15, उस तारीख को राधिका के साथ आखिर हुआ क्या था? तुम लोग उस दिन डी कैबिन में थे, तो फिर राधिका का ब्लड तुम्हारे हाथों पर कैसे लग गया? सर, राधिका की जान बचाने के लिए दीपक और मूर्ति उसे हॉस्पिटल उठाकर लेके गए थे सर। अजय रास्ते में उतर गया था, उठाते समय ही हमारे हाथों में ब्लड लग गया होगा। यानी कि एक बात तो पानी की तरह साफ है, तुम लोग अच्छी तरह जानते थे कि उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, क्योंकि राधिका अपने कातिल को दिखा नहीं सकती। इसलिए तुम सारे के सारे लोग बड़ी हिम्मत के साथ मेरे सामने खड़े हुए हो। डॉक्टर अजय गहरी नींद में सोती हुई राधिका के सिर में 2 इंच अंदर तक तेरा सर्जिकल नाइफ फंसा हुआ था, तो क्या ये करतूत तेरी है? सैफुद्दीन, मेरा बैकग्राउंड जानता भी है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। हट, तुझे छोड़ूंगा नहीं। डोंट रेज योर वॉइस। तेरा बैकग्राउंड मैं अच्छे से जानता हूँ। कानून की किताब को अपनी जेब में रखने वाला ही कानून से बच नहीं सका। मनो सर, कैसे आओ? आओ। किंग, इन लोगों को पहचानते हो तुम? कैसे भूल सकता हूँ सर, मुंह में केक डालकर बेवकूफ बनाने वाले को कैसे कोई भूल सकता है सर। कोट सूट बूट पहनने वाले टीटी को इन्होंने भुर्जी पराठे वाला बना दिया था सर। टकला, जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगा, जल्दी कर। लेकर आ। हाँ, लेकर आ रहा हूँ, लाता हूँ ना। राधिका का नंबर लेकर देने के लिए इनमें से किसने कहा था? सर वो तो इसने कहा था सर। और राधिका का नंबर मिलने के बाद तू डिंडिकल तक बिल्कुल ही नहीं सोया ना? नहीं सर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है सर, अजय पहले ही उतर गया था। अजय डिंडिकल में उतरा ही नहीं था, अगर वो वहीं पर उतर गया होता तो राधिका को चाकू लगने के बाद तू अजय अजय करके चिल्लाती नहीं। अजय, जल्दी आओ, अजय। Your voices are evidence. सर प्लीज सर, मेरी बात। Don't lie, don't act smart. कत्ल होने के समय ये भी केबिन में तुम्हारे साथ ही था। जब माहौल बिगड़ गया तो तुम सब लोगों ने जानबूझकर इसे बचाने की कोशिश की। Am I right? सुन ऑफिसर, मुझे बचना होगा तो मैं बच ही जाऊंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजय, पैसों के बल पर ज्यादा कूदा मत। डॉक्टर को ही चाकू से काटने की परमिशन मिलती है, ऐसा मत समझ। तो लगता है तुझे डॉक्टरी का घमंड हो गया है। कुछ भी गलत करके तू बच जाएगा, ऐसा मत सोच। राधिका का होंठ काटने वाला पागल कुत्ता कौन है ये मैं भी जानता हूँ, तू भी जानता है। कत्ल के इस केस में जब जांच पड़ताल होगी तो तेरी सारी डॉक्टरी निकल जाएगी। दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या? नीचे उतर। Hey, कौन है बेटू? क्या चाहिए? We'll be right back.
मुख्य समाचार। वैगई एक्सप्रेस में जो हत्याएं हुई थी उस केस की जांच के दौरान केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस का मुख्य आरोपी विदेश भागने में सफल हो गया, लेकिन अफवाह ये भी है कि गुरुवारी भागा नहीं, वो भारत में ही कहीं छिपकर बैठा हुआ है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस बात की जानकारी हमें रैक्ट के मुख्य अधिकारी सैफुद्दीन रहमान ने दी है। शुक्रिया भाई साहब। सर जी, कोटायु संस्थान के साधु संतों और संगीत के मशहूर गायत्री देवी घराने के मिले जुले आशीर्वादों से रुद्रावती को जुड़वा बच्चे हुए। पहली बच्ची है राधिका और दूसरी बच्ची ज्योतिका। मदुरई के एक फंक्शन में अपनी दोनों बच्चियों के साथ चीफ गेस्ट बनकर गई हुई थी रुद्रावती जी। अचानक वहाँ पर दंगा हो गया, उस वजह से वहाँ पर स्पेशल फोर्स को बुलाकर पानी के बौछार मारे गए। तब भी भीड़ कम नहीं हुई। फिर मंत्री जी के कहने पर आसमान में गोलियां चलाई गई। एक मिसफायर की वजह से गोली आकर रुद्रावती जी को लगी और वो बेचारी मर गई। अब इस असली बात को छुपाकर उनकी मौत दंगे में हुई, ये बात कहकर फाइल क्लोज कर दी गई। बड़ी बेटी राधिका जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसीलिए वो गन शूटर बन गई। छोटी बेटी राधिका को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था, वो अपनी माँ की तरह बन सके इसलिए उसने संगीत और पायल को अपना लिया। राधिका शूटर, ज्योतिका डांसर। साथ नहीं दूंगी। दीदी को मारने की बात कहने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आंटी, आंटी, ऐसा आप मत कीजिए आंटी। डॉक्टर से कहिए ना आंटी। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपको दीदी को मारने के लिए? बताइए मुझे, बताइए। मैंने कहा। राधिका को मुक्ति दिलवाने के लिए कहना पड़ा। You know, she deserve it. अंकल, ऐसा कहते हुए आपको दया नहीं आई? देखा जाए तो राधिका कब की मर चुकी है, बस नाम के लिए सिर्फ उसकी सांसें चल रही हैं। अगर उसके शरीर का दान कर दिया जाए तो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। Am I right, doctor? Exactly, sir. हाँ। डॉक्टर तुम्हारी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। साइन कर दो बेटी, साइन कर दो। पेंसिल से मार्क किया हुआ है वहां पर। ज्योतिका, क्या कर रही है? मैं साइन बिल्कुल नहीं करूंगी। ज्योतिका, मेरी बहन को मारने का प्लान बना रहे हैं ना, उसके बदले मुझे मार दीजिए। मैं मरने को तैयार हूं। पागलपन है, मरने के लिए तड़प रही है, उसे मरने नहीं दे रही। हॉस्पिटल में पड़ी हुई जिंदा लाश को देखकर मजा लेने वाली सैडिस्ट हो तुम। अरे आईसीयू में कौन है ये बकबक कर रहा है? ससुर जी है। ज्योतिका और विजय की अगर शादी हो गई होती तो ये जरूर ज्योतिका के ससुर होते। बहुत हो गया। चलो, यस सब ठीक हो जाएगा। हेलो ऑफिसर। नमस्कार, आई एम कुमार स्वामी। संगीत साहित्य महान संगीतकार कुड़ंदई कुमार स्वामी। सैफुद्दीन रहमान आईपीएस, राधिका के केस की जांच करने वाले ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तुम्हारे एनकाउंटर की स्पेशलिटी के बारे में बताएं तो ग्लोरीफाई क्लर। एम आई राइट मिस्टर सैफुद्दीन? कांग्रेट्स मिस्टर कुमार स्वामी। किस लिए? ज्योतिका के लिए राधिका में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो फिर ज्योतिका कल मेरे घर की बहू बनकर आने वाली है। देखिए, मर्सी किलिंग कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, आप भी ज्योतिका को समझा सकते हैं। बेल्जियम और हॉलैंड जैसे देशों में ये आम बात है। हम जी रहे हैं तमिलनाडु में, प्यार को और कल्चर को इज्जत देने वाली मिट्टी में, मालूम है ना? यू आर राइट मिस्टर सैफुद्दीन। इसीलिए हमने सोचा है कि हम राधिका को बेल्जियम लेकर चले जाएंगे, वहां पर हम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन उसे मर्सी किलिंग दे सकते हैं। किलिंग, किलिंग, किलिंग। इस शब्द से तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार है ना? राधिका को मारने का जो जुनून है तुम में, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अंदर से तुम बहुत बड़े खलनायक हो और दुनिया के सामने अच्छे बच्चे की तरह एक्टिंग करते हो, बहुत ही शरीफ इंसान बनते हो। यस, आई एम रियली अ प्रोटेक्टर। आई एम द डिटेक्टर। कातिल चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा रुस्तम हो, वो मुझसे कभी नहीं बच पाता।
नमस्ते सर, प्लीज बैठिए सर। बैठ जाओ। सॉरी सर, आपको तकलीफ दी इसके लिए माफी चाहता हूं। आपको एक बड़े हादसे से हम लोगों ने बचाया है। hey, तू कौन होता है मुझे बचाने वाला? पहले अपने आप को बचा ले। डिपार्टमेंट से तुझे फेंकने वाले हैं, पहले तू अपने आप को सेव कर। प्लीज सिट डाउन सर। टेररिस्ट को छोड़ने के बाद उस्तादी दिखाकर मुझे इंक्वायरी में बुला रहा है। प्लीज सिट डाउन सर। तू उसे पकड़ कर मेडल लेने के लिए सोच रहा था, उससे पहले ही वो फरार हो गया और तू पड़ गया चक्कर में। तेरे साथ तेरा एमपी भी पड़ेगा चक्कर में। बैठिए ना सर। सिट डाउन ऐसे। सर सुनेंगे क्या? रिपोर्टर यामिनी, जिसे मारने के लिए अलेक्जेंडर साहब ने मुझसे कहा था और उन्हीं के कहने पर मैंने उसका कत्ल किया। वाइगा एक्सप्रेस में मैं विलुपुरम में चढ़ा, उसका कत्ल करने के बाद मैं त्रिची में उतर गया। कसम से सर, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। ये किसकी आवाज है समझ में आ रही है ना? यामिनी का जिसने गला दबाया था उसकी आवाज है। ऑफिसर के लिए कुछ भी करने वाले एक दलाल की आवाज है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहा है तू? चल। अटैक मनी। यामिनी को धक्का मार कर उसकी हत्या करने के बाद किसी ने किसी को सैल्यूट मार कर दिखाया। उसको थोड़ा रिपीट करके दिखा, रिपीट करके दिखा। कम ऑन, डू व्हाट आई से। सर। सर। क्या है, क्राइम नॉवेल है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। हाय, नमस्ते। आई एम काव्या, योगा टीचर। एक्चुअली मेरी सीट सी केबिन में है, वहाँ एक पागल है इसलिए उससे डरकर मैं यहाँ आ गई हूँ। पागल है? मेरे अगले नॉवेल में ऐसा ही एक कैरेक्टर आने वाला है, पागल की तरह। एक्सक्यूज मी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे बगल वाले कूपे में एक पागल है तो मैं उस पर रिसर्च करता। आप कौन है सर? मैं कन्नी टीवी कार मेगम। अभी मैं एक पागल की कहानी लिखने वाला हूँ। वो कहानी किस में छपने वाली है सर? अब गई भैंस पानी में, ये तो बाल के खाल निकाल रही है। खैर छोड़िए। अच्छा, आप योगा टीचर हैं अभी अभी आपने कहा। अरे रे, अभी कुछ दिन पहले मैंने कादम्बरी नाम से एक कहानी लिखी जिसमें योगा टीचर से हीरो बे इंतहा प्यार करता है लेकिन क्लाइमेक्स में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। ऐसा क्यों सर? वो क्योंकि मैंने नॉवेल को कॉपी की थी ना, और जिससे कॉपी की थी उसके लास्ट के चार पेज दिमाग खा गए, इसीलिए उसकी एंडिंग ढूंढ रहा था। और आपसे बात करके मुझे एंडिंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। मैंने जिस जिस से डिस्कस की उसमें कोई ना कोई बाधा आकर मुझे डिस्टर्ब करती रही, लेकिन आपसे बात करके मुझे लगा कि मुझे एंडिंग मिल जाएगी। अगर आपने मुझे इसकी एंडिंग बता दी तो इसमें मिलने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा आपको दे दूंगा। सर, उस पेटी में सारी आप ही की कहानियाँ हैं। अरे रे रे, नहीं मैडम, सारी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेन ड्राइव की तरह अपने दिमाग में रखा है। वो पेटी, ये जो सोया है ना, इसकी है। हेलो सर, आप भी नॉवेलिस्ट है क्या? नो, नॉट एट ऑल। सर, मैंने जरूर आपको कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी आप मेरे साथ बात कर रही थी तभी तो आपने इनको देखा था ना। सर जोक मत मारिए सर। आपको जोक लगता है? एयरपोर्ट पर मैंने आपको देखा है, करेक्ट है ना सर? नॉनसेंस, फालतू में डिस्टर्ब मत करो, अपनी सीट पर जाओ। जाओ। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। उसकी बात का बुरा मत मानो, कोई सब्जेक्ट नहीं है फिर भी डेढ़ घंटे से उस बुक में घुसा हुआ है, इसीलिए चिढ़कर तुमसे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, आधी रात को उठकर अचानक लाइट जला सकता हूँ। तुम डरना मत काव्या, वो क्या है ना कि आधी रात के बाद ही मेरे दिमाग का बल्ब जलता है, दिल धड़के बार बार। ऐसा नॉवेल लिखने के लिए किसी से मैंने एडवांस ले लिया है और उसे देना है इसी सोमवार तक। अगर इस नॉवेल को ट्रांसलेट करके उसे नहीं दिया तो मंगलवार को एडिटर आकर मेरे सिर पर जूते मारेगा। समझ गया, अगर मैं थोड़ी देर और बात करता रहा तो आप जूते मारेंगे। गुड नाइट मैडम। सुनिए मैडम,
लगता है यह अमावस के दिन पैदा हुआ था। सुनो, इतने दिनों से जिस वीआईपी को हम फॉलो कर रहे थे वो इस वक्त वाइगे एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा है। वो एयरपोर्ट पर स्मगलर के साथ दिखा था, तब से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अगर उसे एविडेंस के साथ मदुरई रेलवे स्टेशन पर हमने पकड़ लिया तो हम उसे अपनी क्राइम डायरी प्रोग्राम में टेलीकास्ट कर सकेंगे। ओके, तो तुम कैमरा लेकर आ जाना। क्या हुआ सर? अटेंडर को देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अंदर काफी ठंडक है तो वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, स्मगलिंग उसका सेकंड बिजनेस है। इस बात का एविडेंस है क्या? हाँ हाँ, सब एविडेंस मेरे हाथ में है। ओके, मुझे कहाँ पर आना है और किससे मिलना है ये बताओ। तुम मदुरई स्टेशन पर अपनी टीम के साथ आ जाना। ओके शाम? यामिनी, मेरे पास एक और आइडिया यार। डू व्हाट आई से शाम। ओके। सैफुद्दीन, एक्चुअली तू एक और गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अटैक मनी यामिनी का कत्ल करने के बाद तुझे देखकर उसने सैल्यूट मारा था ना, तूने जो कत्ल करवाया था राधिका ने उसे देख लिया था, आई विटनेस बन गई थी वो। अगर उसने गवाही दी तो तुम दोनों इस केस से बच नहीं पाओगे, ये सोचकर राधिका को भी तूने मार डाला है ना। एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल करने वाला अपराधी तू ही है। इज्जत के साथ इस स्टेटमेंट पर साइन कर दे। सैफुद्दीन, साइन कर स्टेटमेंट पर। आइए महाराज जी, आइए आइए। सर जी, ये भाई साहब है दुनिया के मशहूर राइटर कन्नी थीव कारमेगम। जन्म तंजावुर का है, परवरिश अमेरिका की, और लिखते हैं सोने की लिस्ट। ये सोने की लिस्ट क्या है? वो पांच पीढ़ी से कार्टून फोटो के साथ हम लोग ही लिख रहे हैं ना, और अब वो तेरी पीढ़ी के साथ खत्म हो जाएगा। भरतनाट्यम लगता तुझे बहुत ही पसंद है। थोड़ा आप पर कुचिपुड़ी हो तो मुझे बहुत पसंद है। आपको चाहिए तो एक करके दिखाऊं क्या? सच सच बता, कोनी को तूने देखा है ना? अरे नहीं सर। बता, कलाकार तुलसी मणि का कत्ल किसने किया? तुलसी मणि? क्या उसे मार डाला?
सर, मैंने अपनी स्टोरी में तो बहुत लड़कियों को मारा, लेकिन असल जिंदगी में मैं एक कीड़े को भी नहीं मार सकता हूँ सर। तो फिर उसका कातिल कौन है? सर, उस दिन आवाज सुनने के बाद बी कुप्पे में भाग कर गया तो देखा वो पागल बालू हाथ में चाकू लेकर चिल्ला रहा था सर। हाँ हाँ, लवर प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। रात में नींद खुली तो देखा सब लोग सो रहे थे। मेरे पापा ने मुझे जंजीर में बांध दिया था और ताले की चाबी शर्ट की जेब में रखी थी। मैंने चाबी को निकाला और ताला खोलकर प्रिया के केबिन में जाने का प्लान बनाया। किसी को कुछ पता न चले इसीलिए मैंने धीरे से बाहर जाकर झांक कर देखा। मैंने देखा कि राधिका को किसी ने चाकू से मार डाला है और वो फर्श पर पड़ी थी सर। मैं प्रिया को देखने के लिए केबिन से बाहर आया था, किसी ने भी मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैंने प्रिया को नहीं मारा सर, मैंने प्रिया को नहीं मारा। एक पागल कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो दिमाग से सोच कर नहीं बोलता वो दिल से हमेशा सच ही बोलता है। बी केबिन में जाकर राधिका का जिसने कत्ल किया वो ये बालू नहीं था। उधर जो चल रहा था उस सब के पीछे वो सब कॉन्शियस माइंड था। एम आई करेक्ट डॉक्टर अजय? नार्को एनालिसिस टेस्ट में तुमने जो स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट और पुलिस को बहुत भरोसा है उस पर। तुम कातिल नहीं हो। रिलैक्स सर जी। क्रिमिनल भले ही चाकू से खेलता हो लेकिन पुलिस वाला अपने दिमाग से खेलता है उसके साथ। जब भी कहीं पर अपराध होता है अपराधी अनजाने में वहाँ कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। लेकिन उसने वहाँ चाकू के अलावा कौन सा सबूत छोड़ा? उसी चाकू पर लगे कातिल के फिंगरप्रिंट्स। अरे सर जी, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसमें डॉक्टर अजय के भी हैं, फिर वो पागल बालू है ना बालू, उसके भी हैं, और वो हीरोइन की दीदी अनुराधा के भी हैं। अच्छा, उस हीरोइन की दीदी का कैरेक्टर कैसा है? अब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर पैसे देंगे तो वो अपनी जान भी दे देगी। अरे मैंने तुमसे कहा था कि ज्योतिषी ने मुझे बोला है कि तू अपना नाम चेंज कर ले, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन तूने सुना नहीं। अब देख ये सब क्या हो रहा है। तुम दोनों को कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट? अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा। बताओ वरना दोनों बहनों को मदुरई जेल में डालकर कथक डांस करवाऊंगा। जल्दी बोलो। उस दिन तुम लोग डंडिकल क्यों गए थे ये बताओ। बोल जल्दी बोल। कोडाई रोड शूटिंग के लिए जा रहे थे। कोडाई रोड पर तुम लोग उतरने वाले थे, उससे पहले ही क्यों उतर गए? सर, हमारे पास कोडाई रोड तक के ही टिकट थी, लेकिन डिंडिकल में कोई रोड का काम चल रहा है, 2.5 घंटे लेट होगी ऐसा कहा गया था हमसे। शूटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी इसलिए एक स्टेशन पहले ही उतर गई। इस चाकू को पहले कभी देखा है? ये वही चाकू है जिससे राधिका का कत्ल हुआ है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कसम से कहती हूँ सर, वो चाकू मैंने वापस नहीं दिया था। नहीं, चाकू तुमने वापस नहीं दिया था। हाँ दीदी, आपने वो चाकू वापस नहीं किया था, मुझे याद है दीदी। नहीं सर, मैंने वो वापस नहीं दिया था। मैं खुद ही उस चाकू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी सर, लेकिन मुझे मिला नहीं था सर। कट हो गया था। मैं लाइट ऑन करके उसे ढूंढने ही वाली थी तो किसी ने कहा लाइट मत ऑन करो, लाइट मत ऑन करो। हाँ, उसी राधिका ने। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती पर वो बहुत खतरनाक थी। पता नहीं उसके बैग में क्या क्या रखा हुआ था सर। उस राधिका का उग्रवादी के साथ जरूर कोई संबंध रहा होगा सर। मैं ये गिटार है क्या?
ये तो बंदूक है। बंदूक लेकर चल रही है? पुलिस वाली है क्या? अरे अरे अरे, अरे मुझे क्या करना है? अरे 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 बेबी, क्या हुआ तुम्हें? बेबी क्या हुआ? हाँ, बालू का बाप। बालू का बाप कहाँ है वो? अभी उसका क्या हाल करती हूँ देख। दीदी आज या तो वो रहेगा या फिर मैं। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ गया वो बुड्ढा? तो कहाँ है वो? क्या? ए सुनो सुनो, यहाँ किसी बुड्ढे को देखा है? बुड्ढे को देखा है क्या? क्या? अरे तुमने यहाँ पे किसी मुच्छट बुड्ढे को देखा है? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। ये भी किसी काम की नहीं। कहाँ गया वो? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। टीसी अंकल, टीसी अंकल, यहाँ वो मूछ वाला आदमी किस केबिन में है आपको पता है क्या? वो पागल का बाप क्या? अपना केबिन छोड़ के मैं किसी और केबिन में मिल सकता हूँ? आप कैसी बातें कर रहे? आज अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे तो जल्दी करो, मेहरबानी करके उसे ढूंढो, पता नहीं वो और क्या कर देगा। हीरोइन की दीदी भी अच्छी दिखती है। तुलसी मनी जिस केबिन में ठहरी थी वहां पर कोई और शख्स भी घुसा था, ये कहा ना तुमने, वो कौन था? तुम जिसका नाम लोगी वही कातिल है। यू आर द ओनली आई विटनेस। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सच बोल रही हूँ। सर ये झूठ बोल रही है। तुलसी मणि की जान लेने वाला फांसी का ये फंदा उसी तरह का है जिससे गांव में बैल को बांधा जाता है। कला क्षेत्र में पढ़ने वाली तुलसी मणि को ये फंदा बांधना आता है ऐसा हो नहीं सकता। तुलसी मणि की इससे जान लेने वाला और ये फंदा बनाने वाला कौन है मुझे जानना है। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। अटेंडर सुंदरम को नहीं पता हो ऐसा हो सकता है, लेकिन गांव में रहने वाले सुंदरम को जरूर पता होगा कि ये फंदा कैसे बनाया जाता है। बोल। सर मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता सर। कंबल में तेरे फिंगरप्रिंट्स आए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तुलसी मणि की गर्दन पर तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए ये तू बता। तूने क्यों तुलसी मणि का कत्ल किया बता। बोल। मैंने ही तुलसी मणि का कत्ल किया। लेकिन क्यों किया तूने ये बता। लड़की, खूबसूरत लड़की और पैसे वाली लड़की, उसके पास बहुत सारे पैसे, सोना और जवाहरात होगा करके मैंने सोचा था कि ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। उसे खत्म करके अगर वो पेटी उठा ली तो मैं करोड़पति बन सकता था। और मैंने बाथरूम जाने का टाइम देखकर Thank you.
मैं बाद में बात करता हूँ सर। मालूम सर। चल अंदर जा। सर मेरी शरीफ बन रहा है। हाँ सर। तुलसी मनी को जब तूने फांसी पर लटका दिया उसके बाद तेरे पास एक फोन कॉल आया था और तूने उसे काट दिया ये कह के कि बाद में बात करता हूँ। सर वो मिस कॉल था सर, मिस कॉल। ना ना ना, वो मिस्ड कॉल नहीं था मिस्टर सुंदरम, मैसेज कॉल था। सर मुझे कुछ नहीं मालूम। ज्यादा होशियारी नहीं, उसी नंबर से 7 बार फोन आया था और तूने एक बार फोन अटेंड भी किया था, किया था नहीं? सही बता। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता सर। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू बता दे वो आदमी कौन है, वरना फिर एक एसी अटेंडर एसी कार में एसी लगा कर सो रहा था इसलिए उसका दम घुट गया और वो मर सर। गया। कल के पेपर में ऐसा ही छपकर आएगा। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। आ, आ, सर आ जाओ, एक गॉस में लगा दो। सर 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 छोड़ दीजिए मुझे। दिल्ली में मिलते हैं। नमस्ते नेताजी। हाँ मानभंजन आओ। उस वैगई एक्सप्रेस केस में कुछ डेवलपमेंट हुआ? कैसा डेवलपमेंट, सब अच्छा हो गया, इंक्वायरी ओवर, कातिल को ही पकड़ लिया। कौन है वो? सुंदरम, अटेंडर सुंदरम। हकीकत बताता हूँ सर, मुझे काम पर लगाने वाला एमपी करिकालन, उसके कहने पर ही मैंने कत्ल किया था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो एक चोर है, झूठ बोल रहा है, उसका यकीन मत करो। आपको मालूम था कि वो एक चोर है, फिर भी आपने उससे नौकरी दिलवा दी? हाँ, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे बेचारा तकलीफ में मेरे पैरों पर गिर पड़ा, मैंने सोचा काम मिल जाएगा, सुधर जाएगा, बस और क्या। अपराधी सुधरना भी चाहे तो आप जैसे नेता सुधरने नहीं देंगे। खुदकुशी करने वाली तुलसीमणि और आपका क्या संबंध था? सिस्टर इन लॉ थी वो मेरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी बीवी की बहन जब आपके हाथ से निकल गई तो उसे सबक सिखाने के लिए आपने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। आप इंसान नहीं है। हाथ नहीं, ये गलत है। एक पुलिस ऑफिसर पर तुझ जैसे मुजरिम का हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। सैफुद्दीन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये केस तुम्हें हैंडओवर करने वाला मैं ही हूँ। वो तेरी एक चाल थी लेकिन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पांसा कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। सिर्फ सुंदरम के बयान को लेकर हम यहां नहीं आए हैं, तेरे खिलाफ जिसने बयान दिया वो है तेरा अपना खून। तुलसी मणि को पिंड देने का एक बहुत ही ब्रिलियंट ड्रामा किया था तुमने, वो याद है कि नहीं? लेकिन उस दिन जब तू बोल रहा था तेरी आंखों में मुझे कुछ और ही दिखाई दिया, मुझे सच्चाई दिखाई दी। अलेक्जेंडर रेलवे एसपी, मुझसे बदला लेने के लिए ही उसने ये खून किया होगा। मेरे पापा ने मेरी मौसी को, वो तेरे अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इसलिए भागने का मन बना रही थी, और वो जानती थी कि तू उसे उसके कॉलेज तक ढूंढवाएगा, इसलिए तेरी आंखों में धूल झोंक कर वैगई एक्सप्रेस में चढ़ गई। वो तुलसी मणि को ट्रेन में देखा तेरे चमचे सुंदरम ने, उसने वहां से तुझे फोन किया, तूने तुलसी मणि के उस सफर को उसका आखिरी सफर बना दिया। मिस्टर कातिल, जोर जबरदस्ती का केस, कत्ल करने की कोशिश, इन जुर्मों के लिए आपको गिरफ्तार करेंगे, तो आप चलेंगे हमारे साथ? चलिए आपकी सेवा करवाएंगे हम। ta na 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 ta
जानते हो, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। कौन है आप लोग? सर जी, प्रकाश। बहुत बड़ा घर बनाया है इसने अपना, करपरा वाली का छोटा भाई है, बड़ा पेंटर है। बच्चे, हम यहाँ ज्योतिका और करपरा वाली से मिलने आए हैं। ज्योतिका यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? वो अपनी बहन को देखने हॉस्पिटल गई है। ओ, वो आए तो भेज देना। ओके सर, फौरन भेज देना। देखिए प्रोग्राम चल रहा है। आपका ही नाम है ना कविता जी? आप ही संस्था की एक ट्रस्टी हैं, है ना? हाँ, आपने कैसे इस संस्था को ज्वाइन कर लिया? क्या हुआ प्रकाश, कौन है ये लोग? पुलिस राधिका के बारे में पूछताछ कर रही है। बहन को मारने की सोच रहे थे, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। कंप्यूटर, ये लैपटॉप किसका है? राधिका का है। मनु सर, वाईगई एक्सप्रेस 2.5 घंटा लेट है, ऐसा राधिका ने फोन करके आपको कहा था ना? कहा था या नहीं? नहीं कहा था। आप झूठ बोल रही हैं। क्योंकि राधिका सुबह होने तक आपके साथ अपने फोन पर बात कर रही थी और इसका पूरा सबूत है मेरे पास। सर, फोन करने वाला अपने बचाव के लिए ऐसा झूठ बोल सकता है ना सर? इस बंगले के अंदर ऐसे झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग भरे हैं सर, और राधिका का कॉल लिस्ट हमने निकाल के देखा है और उस दिन रात को उसके नंबर से कोई कॉल नहीं आया था सर। आपके पास कितने नंबर हैं? मेरे पास 2 नंबर है सर। 2 नंबर नहीं, 3 नंबर हैं आपके पास। वो ऐसा है, वो प्रीपेड नंबर है सर, और उसके अलावा एक और नंबर है सर, और 1 more connection। वो नंबर राधिका के हैंड बैग में कैसे गया? बैग वो Just by accident, sir. That's not an accident. There is a motive. Radhika के handbag में आप ही ने number छुपाया। मैं सही कह रहा हूँ ना? जब वो सफर करे तब तुम उससे बात करना चाहती थी और तुम्हारी बातचीत किसी और को मालूम न पड़े यही चाहती थी ना? तुमने अपना दिमाग तो बहुत इस्तेमाल किया, क्या चाल चली तुमने? नहीं सर, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। तुम कैसे इंसान हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो फोन गुम हो गया और मानभंजन ने पूछा तो तुमने ये बात क्यों छुपाई? जानबूझकर ऐसा क्यों किया तुमने? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, राधिका की ऐसी हालत है और आप हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं, और टेंशन की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। नो नो नो, अभी तुम्हें असली सर दर्द शुरू होने वाला है। राधिका जब वैगई एक्सप्रेस में चढ़ गई उसके बाद 113 मिनट तक आपस में क्या बात कर रही थी और किस विषय में बात कर रही थी? सर, हम उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। सवेरे के ठीक 3 बजे वैगई एक्सप्रेस डिंडिकल के एक प्लेटफॉर्म पर आई, ठीक 2.5 घंटे लेट। 5:30 बजे के बाद ही ट्रेन मदुरई के लिए रवाना हुई। 2.5 घंटे तक ट्रेन में रुकने वाली राधिका अगर चाहती तो कार से सिर्फ 1 ही घंटे में मदुरई पहुंच सकती थी, लेकिन वो ट्रेन से उतरी ही नहीं। उतरी नहीं या फिर उतरने से पहले ही उसे वो पापी उग्रवादी पता नहीं उसे कहां से फॉलो करता हुआ आया था। राधिका को चाकू से मारकर उसने उसकी रखी हुई बंदूक, सोना, जेवरात, सेलफोन सब कुछ लेके भाग गया सर वो। No! इस केस में किसी उग्रवादी का कोई हाथ नहीं है, वो हम पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए खेला गया एक नाटक था। मदुरई से 2.5 घंटे में वो कातिल डिंडिकल पहुंचा और इसके बाद सारा काम करके वापस आ गया, और वो कातिल इसी जगह पर मौजूद है। क्या? कान खोलकर सुन लो, वो कातिल खुद को कितना भी होशियार समझे लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएगा, हमारे हत्थे जरूर चढ़ेगा।
ये राधिका की दवाइयाँ हैं। उसे क्या टेंशन था? सर, राधिका ज्यादा गुस्से और टेंशन में आ गई तो उसके नाक से खून आता था। आइजेंटिक डिसऑर्डर, इसे भी निक निकाल। मिस्टर सैफुद्दीन, सॉरी, मैं संगीत में बिजी था। दरअसल मेरी आंखों के सामने जो भी आता है वो सारे लोग संगीत के चाहने वाले ही होते हैं। दूसरी फील्ड से कोई आता ही नहीं, आई मीन रॉन्ग नोट्स। अब आपके जैसे पुलिस वालों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा या नहीं, नहीं पता। वैसे कैसा लगा मेरा क्लास? मैं अपने आप को ही भूल गया, क्योंकि संगीत वाकई बहुत ही अच्छा था। लाखों फैंस की तरह संगीत और साहित्य के लिए और उसके महान उस्तादों के लिए मेरे दिल में हमेशा से इज्जत रही है। वहां बैठकर कोई कैसे गाता है, उसके सुर क्या हैं, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है मिस्टर स्वामी। उसके सुर कैसे हैं मैं जानता हूं मिस्टर कुमार स्वामी। तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी। तुम चाहते हो कि मैं यही बोलूं ना, लेकिन पुलिस बुद्धि, हम हर कलाकार को भी संदेह के घेरे में देखते हैं। मिस्टर सैफुद्दीन, तुमने मुझे और मेरे संगीत को नीचा दिखा दिया है, ऐसा मत सोचना। अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नाउ आई एम फ्री। आई एम नॉट फ्री। तुम चालाकी से बोल के बच जाओगे, ऐसा मत सोचना। हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब हम तुम्हारी क्लास रखेंगे, लेकिन गाओगे तुम नहीं। कम ऑन। क्या बात है सर? राइफल क्लब में राधिका का लॉकर है ना? हाँ सर है। जरा उसकी चाबी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। मानभंजन। हाँ बोलिए सर। क्या हुआ? घबराओ मत। क्या हुआ? क्या हुआ? भाग गई है सर, भाग गई है। मानभंजन, अंदर जाकर देखो कौन है। ओके सर। वो सर, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अंदर तो कोई नहीं है सर। सर, सर वहाँ कोई था सर, उसने मुझे मारने की कोशिश की। छोड़ो ना, इसे लगता है कोई वहम हुआ है। इसे कोई वहम नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर। जैसे तुम्हारी बहन को खत्म करने की कोशिश की गई थी, ठीक उसी तरह तुम्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई। इस घर में तुम्हारी जान महफूज नहीं है। यू बी केयरफुल। मानभंजन। कुछ नहीं, डरो मत। ऐसा तो सुना था कि किसी सांप के दो मुंह होते हैं, लेकिन किसी उस्ताद के दो चेहरे होते हैं, ये पहली बार देखा। ऑफिसर, शूटिंग इज माय सीक्रेट पैशन। तुम्हारा गुरु कौन है, क्या मैं ये जानने की हिमाकत कर सकता हूं? राधिका। वो मदुरई के हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी और वहां से तुम्हें ये गुर सिखा रही है ना? आप अभी यहाँ किस लिए आए? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? मुझे देखते ही तुम्हारे सिर पर भूत सवार हो जाता है ना? और ज्यादा बात की तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वन मिनट। वेस्टर्न कल्चर में जीने वाला तुम्हारा वो लड़का, उसने मदुरई के फूल का गजरा पहनने वाली ज्योतिका से शादी करने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि ऐसा ज्योतिका की माँ ने मुझे कसम दिया था। विजय के साथ ज्योतिका की शादी करवाकर उसे इस संस्थान का ट्रस्टी बनाना चाहती थी वो। अच्छा,
तो तुमने जो कसम खाई थी उसके कारण तुम्हारा लड़का ज्योतिका से शादी करने के लिए राजी हुआ है ना? Of course. और इसीलिए दहेज में कुछ भी नहीं लेने का वादा किया था। दहेज क्यों चाहिए? क्योंकि पूरे संस्था का पैसा निगलने का फैसला तो तुम लोगों ने कर ही लिया था। नो नो नो, ज्योतिका से शादी होने के बाद संस्थान की संपत्ति की मालकिन राधिका हो जाएगी। एक्सेलेंट प्लान। गायत्री देवी जिंदा नहीं है, राधिका भी नहीं रहेगी, तो संस्था का पूरा पैसा वो तो तुम्हें ही मिलना है ना। जिस तरह से राधिका को खत्म किया उसी तरह थोड़े दिन में ज्योतिका को भी ऊपर जाने का टिकट दे दिया जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है उस फैमिली के खिलाफ अगर कोई है तो वो तुम हो। What nonsense are you talking? दिसंबर की 15 तारीख को फ्लाइट टिकट के कैंसिल होने के बाद वैगा एक्सप्रेस का टिकट बनवाने के लिए कौन बोला था? मैंने ही बोला था। तो तुमने उस ट्रेन को क्यों चूज किया? नाइट जर्नी थी, हिफाजत में रहेंगे, इसलिए मैंने वैगा एक्सप्रेस डिंडिकल में 2.5 घंटा लेट है ये मालूम पड़ने के बाद ही तुमने उसमें टिकट बुक किया। ट्रेन लेट आने वाली है, इसका फायदा उठाते हुए तुमने एक प्लान तैयार किया और उसका कत्ल किया। ट्रेन जरूर लेट आई थी लेकिन ये सैफुद्दीन कभी लेट नहीं होगा। आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट टाइम। जैसे बच्चे को आसमान में चांद दिखाकर कहा जाता है कि उसे चांद पकड़कर दे दिया जाएगा, ठीक उसी तरह विजय को भी कुमार स्वामी, कृपावली और तुझे उल्लू बनाया जा रहा है बड़े प्यार से। विजय को तेरा लवर बताकर उसकी आड़ में संस्था का पैसा हड़पने वाला वो शैतान न तो अच्छा लवर हो सकता है और न ही अच्छा पति हो सकता है। कनाडा पुलिस कल उससे पूछताछ करेगी। क्यों? दिसंबर की 15 तारीख को विजय के चेन्नई एयरपोर्ट पे आने का प्रूफ मेरे पास है। उसी दिन राधिका को मारने की कोशिश की गई। विजय मुझे बताए बिना चेन्नई आ ही नहीं सकता, और आखिर वो राधिका को क्यों मारेगा सर? मुझे डॉक्टर अजय के ऊपर शक है। उसकी मेरी बहन के साथ पहले एक प्रॉब्लम भी हुई थी। कब हुई थी? 6 महीने पहले पलनी में एक डांस प्रोग्राम था, मेरी बहन भी उस दिन वहाँ आई हुई थी, और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मेकअप रूम में अजय और उसके फ्रेंड्स। मेरी बहन से क्या कहा तूने? मेरी बहन को देखकर तुझे उसे किस करने का मन करता है? अब तू मेरा ये थप्पड़ मरने तक नहीं भूलेगा, और आज के बाद अगर मुझे दिखाई दिया तो काट के रख दूंगी तुझे। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर मत आना, बदमाश कहीं का। बहुत अच्छा मौसम है। क्यों डॉक्टर, जॉगिंग कर रहे हैं क्या? लगता है चर्बी कम कर रहे हैं। वैसे चर्बी कम करने का इलाज मेरे पास। डॉक्टर, इस इंजेक्शन में इतनी ताकत है कि एक घोड़े को मारा जा सकता है। तो तुझे लगा दूं ये इंजेक्शन? छोड़ दो। ठीक है, मैं पहुंच कर बात करती हूँ। मुझे बेइज्जत किया था ना तूने? अब बेइज्जत कर मुझे। देख, अब तेरा खेल खत्म। अब नहीं बचेगी तू। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तू भी इससे हट जा। I'll kill you. अजय, अजय प्लीज जाओ यहाँ से। बी कैबिन में सीट से बरामद हुआ चाकू है ये, और बता दूं कि राधिका को इसी चाकू ने मौत के घाट उतारा था। इसके बाद भी तुम चारों मिलकर ये कह रहे हो कि ये चाकू तुम्हारा नहीं है। तुम लोगों को पागल लगता हूं मैं। बी कैबिन को इन चारों डॉक्टरों ने मिलकर एक ऑपरेशन थिएटर का रूप दे दिया। मेडिकल साइंस ही नहीं बल्कि फॉरेंसिक साइंस भी जानने वाले कातिल हो तुम लोग। तुम चारों लोग क्लासमेट्स हो ना?
तो अब तुम चारों एक साथ मिलकर जेल में खट्टी पीसना। हेलो अंकल, दीदी की हार्टबीट सुनाई दी आपको? अब वो फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी, ऐसा मुझे यकीन हो गया है। बहुत जल्दी वो बात करने लग जाएगी अंकल। जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने वादा किया है कि वो उसे ठीक कर देंगे। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है अंकल, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके अंकल। राधिका कैसी है? मैं देखने आया। डोंट टॉक। क्या हुआ? किसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की सर? जिसने तेरी बहन को मारने की पहले भी कोशिश की थी वही लोग। जरा अपने अंकल का स्टेटमेंट सुनोगे? दरअसल राधिका की बॉडी में ज्योतिका के प्यार की वजह से हरकत दिखाई दे रही है और उसकी हरकत को देखकर ज्योतिका उसे जिंदा समझ रही है। राधिका बोझ की तरह है, इसीलिए संस्थान के सभी लोग चाहते हैं कि ये मर जाए। इसीलिए संस्थान ने फैसला लिया है कि राधिका के लिए ऑनर किलिंग ही एकमात्र रास्ता है। इसकी जान लेने में कोई गुनाह नहीं है। नहीं। कुमार स्वामी, तेरी बहन को मारने की कोशिश करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। तेरे साथ जो भी लोग हैं अच्छे नहीं है, बहुत डेंजरस लोग हैं। सर, इंस्पेक्टर मानभंजन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर, हादसा होने के दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक डिंडिकल रेलवे स्टेशन के पार्किंग में सोई हुई एक औरत के पैर के ऊपर से कोई गाड़ी जड़ाकर निकल गया है। गांव के पुलिस चौकी में ये कंप्लेंट दर्ज हुई है सर। सर, जब ये कंप्लेंट बुक हुई उस समय वैगई एक्सप्रेस डिंडिकल रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी। खून, चोरी और डकैती की वारदातों की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भेज देना, ठीक है? यस सर। सर, इसी ने पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कंप्लेंट लिखवाई थी। ये कैसे कह सकते हो गाड़ी चढ़ने से एक्सीडेंट हुआ था? हाँ सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये तो मैं किनारे हो गया, वरना स्पीड इतनी तेज थी कि वो खुद मुझे भी खींच के ले जाते सर। ये है उस गाड़ी से निकला एविडेंस, टूटी हुई हेडलाइट। गाड़ी का कलर क्या था? गोल्डन कलर था सर। गाड़ी का नंबर देखा? गाड़ी का नंबर नहीं देखा सर। मदुरई से डिंडिकल जाने वाले रूट में अम्बका नायडू नाम का एक छोटा गाँव है। राधिका वाली घटना के दिन वहाँ पर एक और एक्सीडेंट हुआ था सर। उसकी कंप्लेंट के अनुसार उसके बैल को एक गाड़ी ठोक कर चली गई है। हाँ ठीक है सर, चल अच्छा सुनो हा? ये रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है? जाकर क्या थी कॉलम सर? कौन सा कॉलम? हाँ थोड़ा आगे देखो, आगे देखो, उस तरफ देखो थोड़ा सा, कुछ ना अंदर कुछ की तरफ जाओ। देखो आगे देखो, आगे देखो, कुछ मिलेगा। थोड़ा इस तरफ जाओ, फैल जाओ सब तरफ, चलो। गन भी मिला है सर। अरे बाप रे, देखा सर जी, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन अमावस्या थी। इस गांव की उसे अच्छी तरह से जानकारी थी, इसीलिए वो इस तालाब के किनारे सारे एविडेंस फेंक कर गया है सर। सर मोबाइल, हथियार सर जी, सर मंकी कैप। सुनो सर, सस्पेक्ट 4 to 14 सबकी जांच करवा। हाँ सर। वही जो वैगई एक्सप्रेस में थे। फिर वो डॉक्टर सर? उन सारे लोगों का भी टेस्ट किया जाना जरूरी है, सबके अच्छे से जांच करो। उस दिन वैगई एक्सप्रेस निकली थी ठीक उसी वक्त पर एगमोर में, जिन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था उनका डिटेल्स चाहिए। उसके बाद हम असली कातिल को आराम से पकड़ लेंगे। सर जी, सबको पूछताछ करने के लिए ट्रेन में तो चढ़ा देंगे, लेकिन वो उग्रवादी तो बच गया ना, उसे मैं कहाँ जाकर पकड़ू? वो तो देश छोड़कर भाग गया ना सर जी।
हे भगवान। रेल सफर के डिटेल से ही हमें पता चलेगा कि वो आखिर है कौन। वही वाईगई एक्सप्रेस, वही एसी कूपे और वही पैसेंजर्स, वही पागल। क्या क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूछताछ के साथ साथ मर्डर भी होने वाला है। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट में पता नहीं किस किस का भांडा फूटने वाला है। इस टेस्ट में खूनी बच नहीं सकता। सर, मेहरबानी करके मुझे इस तरह मत देखिए सर, रोम रोम कांप रहा है सर। मुझे तो उस उग्रवादी पर ही शक है सर। सर, मेरी जिंदगी तो उड़ते हुए बालों की तरह फिसल गई। तुम लोगों को आज पता चल जाएगा कि कातिल तुम ही हो, इसलिए जागते रहो। और हाँ, कल सुबह तक तुम लोगों के हाथों में हथकड़ी होगी। माइंड इट। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। क्यों अरेस्ट किया है? अरेस्ट कहाँ किया है, अरेस्ट वारेस्ट कुछ नहीं किया है सर। बेबी मदुराई का एक फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर जा रही है। ट्रेन में बेबी को कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी को लेकर जा रहे हैं। हम सिक्योरिटी वाले हैं। मेरी बात सुनिए सर। सर, आप मेरी बात सुनिए, वो अफवाह है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ सर। ओके ओके सर। तुम लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराऊंगा ना, तो दोनों की सच्चाई बाहर आ जाएगी। चलो मैं तुम लोगों को बाहर दिखाता हूँ। ये तो पॉलीग्राफ टेस्ट कह रहे हैं, लगता है पुरानी सारी बातें निकाल लेंगे। अगर पुरानी बातें बाहर आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कत्ल के बारे में पूछेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं, भगवान को याद कर रही हूँ। भगवान इधर हैं, उधर क्यों बुला रही हो? किसी खजाने की हिफाजत करने वाले भूत को बहुत टेंशन होता है, लेकिन कल से तुम लोगों को नहीं होगा और तू अकेली रहना सीख ले। मेरी बहन की ये हालत करने वाला वो इंसान? वो इसी केबिन में है और अपने साथ ही है। कातिल के आसपास ही हूँ मैं भी, बिल्कुल पास में। सर, सच में मैंने वो खून नहीं किया सर, और वैसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम मुझे कौन देगा? वैसे भी मैं एक डम्मी पीस हूँ सर, खून करके बच जाना तो प्रोफेशनल लोगों का काम होता है। आपके पास तो बहुत पेंडिंग केस होंगे, उस केस में इस केस को मिलाकर दोनों की फाइल एक साथ बांधकर मोटी फाइल बनाकर इसे क्लोज कर दीजिए। वैसे भी तो सब लोग यही कर रहे हैं ना, आप ऐसा करेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा। लेखक कान खोल कर सुन ले, तेरी कहानी में अब तक जो टर्निंग पॉइंट नहीं आया है वो आज इस ट्रेन में आने वाला है। गई भैंस पानी में। Oh!
वैगा एक्सप्रेस में जो तीन कत्ल हुए हैं वो तूने नहीं किए, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अगर तुझे कोर्ट में पेश किया तो तेरा वहां पर क्या होगा बता? ये वकील वो वकील और फिर सुनवाई। तुझे इस कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में भेजा जाएगा, वहां से तेरा मामला दिल्ली कोर्ट में चला जाएगा जहां पर पॉलिटिशियंस इस मामले को लेकर फिर अपनी रोटियां सेकेंगे। इसलिए सबको यकीन दिलवा दिया कि तू देश छोड़कर भाग गया। याद आया कुछ? इसी तरह तू थूका था ना मुझ पर? ज्योति का क्या हुआ? तुम यहाँ गेट पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो? एनी प्रॉब्लम? पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत जरूरी है क्या सर? हाँ लगता तो ऐसे ही है। राधिका जब ट्रेन में थी तो वहां से उसने फोन पर तुमसे बहुत देर तक बात की थी ना? तो एक बात बताओ फिर कि ट्रेन 2.5 घंटा लेट है, ये बात उसने तुमसे कही होगी? जी हाँ सर, कहा तो था। संस्था में किसी को पता चले बगैर उस दिन एक कार सुबह 3:30 बजे वहां से बाहर गई थी और उस कार का कलर था गोल्डन बेज। राधिका को रिसीव करने जाने वाली वो कार मदुरई से दिंडीकल के रास्ते में किल्ली कोला तिल पर रुकी थी। राधिका का आई कार्ड और उसका सेलफोन, गन, ब्लैंकेट और मंकी कैप सब पानी में फेंक कर गया है वो कातिल। उस कार को चलाने वाला वो कातिल कौन है उसका एविडेंस हमें मिला है। कौन है? तू ही वो कार चला रही थी? मैं नहीं सर, मैं तो उस दिन कहीं गई ही नहीं। किसने कहा कि मैंने कार चलाई? प्रकाश हा? सुनना चाहोगी? राधिका को पिकअप करने के लिए मैं 3 बजे रेडी हो रहा था तभी संस्था से कार को बाहर जाते हुए देखा। ज्योतिका ही उस कार को चला रही थी, ये मैंने साफ देखा। और मैंने ये भी देखा कि उस कार की लेफ्ट हेडलाइट भी टूटी हुई थी। प्रकाश जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। इस समय झूठ बोलने वाली तू ही है। उस दिन अंधेरे में तू बिना किसी को बताए संस्था से निकली और एक कत्ल करके वापस लौट आई। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी, है ना? नहीं सर। यस, यू आर द ओनली किलर। कातिल तू ही है। अभी तेरे पास सच्चाई कबूल करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जान गया हूं कि कातिल तू ही है। हाँ सर। बताइए क्यों किया तूने? कोटूर संस्थान को बचाने के लिए। मैं विजय के साथ शादी करके अगर अपना देश छोड़कर कनाडा गई तो संस्थान के सारे हक उसे मिल जाते और संस्थान की अकेली वारिस होने के नाते वो उसे बेचना चाहती थी। इसलिए शादी के फैसले के बाद
उसने संस्थान को बेचना डिसाइड कर लिया और पूरे संस्थान को मल्टीनेशनल कंपनी को बेचने के लिए चेन्नई गई थी। हमारे खानदान की निशानी को मैं ऐसे हाथों से कैसे जाने देती सर? इसलिए संस्थान को बचाने के लिए उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुझे एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी आती है, लेकिन तेरे दोनों चेहरे साफ साफ नजर आते हैं। ज्योति का कातिल नहीं है, कातिल तू है और तू है राधिका। मेरे सामने जो ज्योति का बनने की एक्टिंग कर रही है वो असल में बहुत ही कमाल की शूटर राधिका है। राधिका तेरी एक्टिंग खत्म। तेरे केबिन में कोमा में जो सोई है वो ही ज्योतिका है। वैगई एक्सप्रेस में चेन्नई से मदुरई आने वाली तू ही है। उस समय भी तूने मुखौटा बदल रखा था। डिंडीगुल स्टेशन पर अपनी बहन को बुलाने वाली भी तू ही है। नो! यस! उस दिन वैगई एक्सप्रेस में जो हुआ था वो अदला बदली थी। लंदन में जुड़वा पैदा होने के बाद बड़ी होकर क्रिमिनल बनने वाली ग्रे ब्रदर्स की जिंदगी के बारे में पढ़कर उसी तरह खुद की बहन को मारने वाली राधिका है जो मेरे सामने खड़ी है। नो, नो, नो। मैं राधिका नहीं हूँ। तू गला फाड़ कर कितना भी चिल्ला ले, लेकिन मेरे सामने जो खड़ी है वो राधिका ही है। नो, योर बॉडी इज ऑल्सो योर एनिमी। नो, ये राधिका की दवाइयां हैं सर। उसे क्या प्रॉब्लम है? वो सर, राधिका को ज्यादा टेंशन या गुस्सा आ जाता है तो उसकी नाक से खून निकलता है। नो, नो। यस। तेरे खुद के खून ने ही तेरे खिलाफ सबूत दे दिया। उस दिन वैगई एक्सप्रेस के बी केबिन में जो खून पड़ा था वो बी पॉजिटिव था। ज्योतिका का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, लेकिन राधिका का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ऐसा पासपोर्ट कहता है। ये तेरे खिलाफ मिला हुआ पहला सबूत है। So, look here. बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का कत्ल किया है और बड़ी बहन छोटी बहन की एक्टिंग कर रही है। इस केस में जो दूसरा सबूत मुझे मिला है वो है 15.8 निकल क्रोमियम ब्रेसेस इंटरनल डेंटल क्लिप। ये कत्ल किसी और आदमी ने किया है ऐसा दिखाने के लिए। ज्योतिका का होंठ तूने काटा और उस पर थूक दिया। नो। उस दिन रात को मैं संस्था में आया था राइफल क्लब के लॉकर की चाबी मांगने के बहाने तेरे दांत का साइज लेने के लिए। ज्योतिका के होंठ में कटा हुआ दांत का निशान और मनु के हाथ में दांत का निशान, दोनों का साइज एक ही है। तेरे खिलाफ ये एक पक्का सबूत है। इससे साबित होता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि तू ही है। ये बता कि ये कत्ल करने की आखिर तूने सोची क्यों? तुझे मेरे अंकल कुमार स्वामी का बेटा है। बचपन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती थी सर। उसके बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। इससे पहले कि मैं अपने प्यार का इजहार करती, अंकल ने आकर बताया कि विजय ज्योतिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। मेरे सारे सपने टूट गए। मैं विजय को किसी और के साथ कैसे देख सकती थी? इसलिए मैंने अंकल को समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात माने ही नहीं। मैं उस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे मार डाला। यस सर, शी मेड मी अकेला। मेरी बहन को डेंटिकल से पिकअप करने के लिए मैं केबिन में उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन क्यों? दुल्हन को शादी का एडवांस गिफ्ट देने जा रही हूँ। क्या हुआ राधिका? हुँ।
क्या हुआ? विजय को मैं प्यार करती हूँ सालों से, और तू शादी करना चाहती है? जब से मैंने सुना है तुम्हारी और विजय की एंगेजमेंट होने वाली है, तभी मैंने सोच लिया कि तुम्हें मारकर खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन मैं मर गई तो मेरे विजय का क्या होगा? इसलिए मेरे प्यार के लिए तुझे अकेले ही कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि तेरे जीते जी वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, तो तेरा मर जाना ही अच्छा है। राधिका छोड़ दो मुझे, राधिका तुम क्या कर रही हो? राधिका, राधिका प्लीज। तुझे छोड़ दिया तो विजय मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है ना? राधिका नहीं, विजय मुझसे शादी करे इसलिए तेरा मरना जरूरी है। विजय सिर्फ मेरा है, वो तेरा कभी नहीं हो सकता। हमारे बीच आकर तूने गलती कर दी। दरवाजा खोलो, कहाँ जा रही है? कोई मेरा प्यार छीन नहीं सकता, और इसलिए आज से मैं राधिका नहीं ज्योतिका हूँ, मिसेस ज्योतिका विजय। आज से मैं सिर्फ नाम से ही नहीं, हर तरह से ज्योतिका बन गई हूँ। हाँ, मेरी छोटी बहन को मैंने ही मारा है। प्यार का मतलब होता है जिससे प्यार किया जाए उसके लिए खुद को मिटा दिया जाए, लेकिन तूने खून कर दिया, क्योंकि तुझ जैसी औरत प्यार का मतलब कभी भी नहीं जान सकती। जिस प्यार के लिए मैंने खून किया, उस प्यार को भी नहीं पा सकी, मुझे कोई माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, और उस पाप के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। एक लड़के के आंसू देखकर एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है, लेकिन अपने प्यार के लिए अपनी बहन का कत्ल करने वाली तुझ जैसी को कोई माफ नहीं कर सकता। तू माफी के लायक नहीं है। प्यार में जान ली नहीं जाती, दी जाती है। असली प्यार करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। इसलिए तूने इतनी कोशिश कर ली, फिर भी ज्योतिका और विजय साथ साथ ही रहेंगे, और तू प्यार के लिए हमेशा तड़पती रहेगी। नहीं, विजय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। विजय को उससे शादी करते हुए मैं नहीं देख सकती थी। नो, प्लीज। देखो, मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनो। जाने दो मुझे। सुनो मेरी बात। जाना ही अच्छा है। मैंने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मारा। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम, मेरा प्यार भी मुझे दूर हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? अब मैं नहीं जीना चाहती। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए। राधिका। गाड़ी नंबर 12631 वैगई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई है। सर, आप युग युग जियोगे सर। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया सर। मेरी बीबी आपके बारे में बात करती रहती है सर। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे सर। सर के पैर छू। नहीं नहीं नहीं, असली कातिल को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा, लेकिन ये मेरा फर्ज था। अब तुम आजाद हो, जाओ। नमस्कार सर जी, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। सर, आपके साथ हमें एक फोटो निकलवानी है। सर प्लीज हमारी एक फोटो खींचिए। अरे आ जाना, यहाँ आ जा। रेडी। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको हमारे घर पार्टी में आना है, ठीक है? अरे चल चल, जल्दी चल ना, चल चल। मुझे कावर लेकर जाना, मैं चलता हूँ। सर,
आपको तो पता ही है कि मैं एक टीटी हूँ, तो क्या मैं इस ट्रेन में जा सकता हूँ?